आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का योग। कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, इसको व्यवस्थित कैसे करते हैं, किस प्रकार इसका एनवा पद ज्ञात किया जाता है वह अंतिम पद ज्ञात किया जाता है, तथा एक क्वेश्चन समांतर माध्य पर भी देखे थे। आइए हम समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने के लिए मेथोड देखते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का योग सूत्र होता है एस ए बराबर एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी, जहां एन पदों का योग है, सॉरी पदों की संख्या है, ए प्रथम पद है और बी क्या है सर्वांतर। हमने कल बताया था सर्वांतर का मान निकालने के लिए द्वितीय पद में प्रथम पद को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और यहां पर एसएन क्या है पदों का योग है, पदों का योग। इसका एक और सूत्र होता है एसएन बराबर ए प्लस एल, सॉरी एन बटा दो ए प्लस एल। इस सूत्र का उपयोग तभी करेंगे जब अंतिम पद का मान क्या हो दिया हो, अंतिम पद का मान दिया होगा तो इस सूत्र का उपयोग एसएन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल का उपयोग करेंगे। इस सूत्र को समझने के लिए एक प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। एक प्रश्न दिया है हमारे पास श्रेणी 9 प्लस 12 डैश 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 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहां पर प्रथम पद क्या है 9, देखते हैं हल करके। दिया है ए बराबर 9 और द्वितीय पद बी बराबर कितना दिया है 12, तो सर्वांतर निकालेंगे बी बराबर, तो सर्वांतर निकालने के लिए द्वितीय पद में पहला पद माइनस किया जाता है, द्वितीय पद क्या है 12 माइनस पहला पद कितना है 9, 12 9 घटेंगे कितना आएगा 3। यहां पर एन बराबर कितना दिया है 16, तो पदों के योग का सूत्र निकालेंगे, अतः पदों के योग एस एन बराबर एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी, यहां एन का मान 16 बटे दो टू ए का मान कितना है 9 प्लस एन का मान 16 माइनस वन बी का मान कितना दिया है 3। 16 में दो भाग देंगे कितना आएगा 8, दोनिया 18, 16 में घटेगा 15, 15 तीर कितना हो जाएगा 45। आगे देखते हैं इसको 8 यहां जोड़ेंगे 8 5 कितना होगा 13 के 3 हासिल आए 4 1 5 अब 1 कितना होगा 6, गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 8 6 48 कितना हो जाएगा 48 2 50। इस तरह श्रेणी के 16 पदों का योगफल कितना प्राप्त हुआ 504। यहां पर 9 पद श्रेणी का प्रथम पद है और 12 क्या है श्रेणी का द्वितीय पद है, सर्वांतर का मान निकालेंगे, द्वितीय पद में पहला पद क्या कर देंगे माइनस, 12 में 9 घटेगा कितना आएगा 3। यहां पर n पदों की संख्या है, हम इस सूत्र का उपयोग इसलिए किए क्योंकि इसमें अंतिम पद का मान नहीं दिया है, अंतिम पद का मान दिया रहता है तो हम दूसरे सूत्र एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल का उपयोग करते हैं। ठीक, हमारे पास समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 100 और 200 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यहां पर बोला है 100 और 200 के बीच, न कि 100 और 200 को लेना है, 100 और 200 के बीच बोला है तो 100 और 200 को नहीं लेना है, तो 100 और 200 के बीच विषम संख्या क्या होगा 101, 103 और लास्ट कितना जाएगा 199। यहां पर ये प्रथम पद है और 103 क्या है द्वितीय पद है और एल का मान कितना होगा 199, 199 क्या होगा ये आपका अंतिम पद है। अब डी का मान निकालेंगे तो द्वितीय पद में प्रथम पद घटेगा तो 103 में 101 घटेगा तो कितना आएगा 2, अतः पदों का योग एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल, एन का मान कितना है नहीं दिया है हमारे, एन का मान
ए का मान कितना है 101, एल का मान कितना दिया है 199। एक सौ एक और 199 कितना होगा 300, 300 मतलब भाग होगा कितना होगा 150। यहां पर सॉरी इसको पदक योग, हाँ ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि एस एन का मान प्राप्त नहीं है हमको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एस एन का मान निकालना पड़ेगा। एन का मान निकालने के लिए मैं पहले अंतिम पद का सूत्र का उपयोग करता हूं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, अंतिम पद कितना दिया है 199, ए का मान कितना है 101 प्लस एन का मान नहीं दिया है, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 2, 199 में 101 माइनस करेंगे, 199 माइनस 101 बराबर यहाँ कितना हो जाए n माइनस वन इंटू कितना 2, 9 में 1 गया तो कितना आएगा 8, 9 में 0 गया तो 9 और 1 में 1 गया तो 0, तो n माइनस वन इंटू 2, 2 एक 2 का डिवाइड करेंगे 98 में, 2 एकम 2 चौक 8 और 2 निया 18, यहाँ कितना बचा n माइनस वन रेड वन इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n, n का मान हमारे पास कितना मिला 50, 50 आगे कितना हो जाएगा 50, इस n का मान हम यहां पर रख के हल कर सकते हैं, यहां पर एस एन आगे हल कर सकते हैं, यहां पर एस एन बराबर n का मान कितना रखेंगे 50 और 100 कितना 50, 15 पचे 75 और 102 0, अतः पदों के योग कितना प्राप्त होगा 75 से। हम पहले गलती किए थे, इस सूत्र को उपयोग पहले कर लेना था हमको ताकि एन का मान प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही इस सूत्र पदों के योगफल का सूत्र का उपयोग करना चाहिए, ठीक। चलो उसी प्रकार हमारे पास दूसरा प्रश्न है, 100 और 200 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यहां हल दिया है 100 और 200 तक सभी सम संख्या ज्ञात करना है, तो यहां पर 100 और 200 तक, तो 100 फिर 100 कितना आएगा 2, फिर 100 कितना आएगा 4, डैश लास्ट तक क्या लेंगे 200, क्योंकि तक बोला है तो 100 और 200 को हटाना नहीं है, यहां पर प्रथम पद कितना होगा 100, द्वितीय पद कितना होगा 100, 2, डी का मान निकालेंगे 102 में 100 घटेगा कितना आएगा 2 आएगा, ये अंतिम पद एल का मान कितना निकलेगा 200, अतः सूत्र रख देते हैं इसका अंतिम पद का, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, एल अंतिम पद का मान कितना दिया है 200, ए का मान 100 प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान कितना है 2, 200 में 100 घटेगा कितना आएगा 100, यहां पर एन माइनस वन इंटू 2, 2 एकम 2 50 100, एन माइनस वन रेड वन इधर आएगा तो इनके ऑन हो जाएगा, इस तरह हमें एन का मान प्राप्त हो गया, अतः पदों का योग, पदों का योग फल एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल, इस सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें अंतिम पद का मान क्या हुआ है दिया हुआ है, एन का मान कितना है 51/2, ए का मान 100, एल का मान कितना है 200, 200 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 300, 300 में 2 भाग देंगे कितना आएगा 150, तो 51/150, इस तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 0 15 एकम 15 की 5 हासिल आए 15 पर से 75 और 1 कितना हो जाएगा 76, इस तरह 100 और 200 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल अभी कितना प्राप्त हुआ 7650। हमारे
हमारे पास प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और प्रथम 19 पदों का योगफल 361 है, तो श्रेणी के 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। प्रश्न बोला है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल, 8 पदों के योगफल कितना दिया है 64, अर्थात सूत्र लगा देंगे n बटा 2 2a plus n minus 1 into t equal कितना 64, तो यहां पर n पे जगह कितना दिया 8 बटा 2 2a plus n पे जगह कितना है 8 minus 1 into t बराबर कितना दिया है 64 दिया है, उसी सूत्र का उपयोग किए हैं। 8 में 2 भाग होगा कितना आएगा 4, 2a plus 8 में घटेगा कितना 60d बराबर 64, भाग देंगे 4 एकम 4 4 छक्का 24, 2a plus 60d बराबर कितना 16। फर्स्ट इक्वेशन देते हैं इसको। आगे बोला है प्रथम 19 पदों के योगफल 361 है, प्रश्नानुसार 19 पद का योगफल 19 बटा 2 2a plus 19 minus 1 into d n जगह 19 रखेंगे बराबर कितना दिया 361। यहां दो का मल्टीप्लाई में कर देंगे 19, यहां 2a है तो 2a plus 19 में घटेगा तो कितना आएगा 18d, यहां दो का मल्टीप्लाई में करेंगे 2 एकम 2 2 छक्का 12 की 2 हासिल है 2 3 6 कितना होगा 7। आगे इसमें दो को कॉमन निकालेंगे, यहां दो कॉमन निकलेगा यहां दो कॉमन निकलेगा तो यहां a बचेगा यहां पर 9 बचेगा, तो दो को मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यहां पर a प्लस 18 में 9 2 निकल के कितना बचेगा 9d बराबर कितना 722। 38 का भाग 722 में देंगे a प्लस 9d बराबर कितना बचेगा 19, ये आपका समीकरण कितना आया 2। यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे यहां पर या तो 7d को 9d दोनों को बराबर करेंगे या a पद को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो देखते हैं हल करके समीकरण 1 समीकरण 2 से। पहला समीकरण क्या दिया है 2a plus 60d बराबर 16, यहां a में कितना दिया है 2 दिया है तो 2 का गुणा समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा और 2 लिया कितना हो जाएगा 18d और 2 का गुणा 19 में तो कितना हो जाएगा 38, 19 गुणा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहां पर a में समीकरण 2 में a में 1 का 1 है 1 गुणा इसमें करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा इसमें से उतार दिए हैं, माइनस करेंगे ये कट जाएगा 18 में 7 घटेगा कितना आएगा माइनस 11d और 38 में 16 घटेगा कितना आएगा 8 में 6 गया तो 2 और 3 में 1 गया तो कितना आएगा 2, माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा तो 11 एकम 11 11 गुणी 22, इस तरह d बराबर कितना निकला 2। d का मान हमें धन 2 प्राप्त हुआ। इसको d को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, यहां पर समीकरण 2 से मेरा कर रहा हूं, यहां पर a प्लस 9 d का मान कितना दिए 2 बराबर 18 सॉरी 19, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 में 19 घटेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 1, इस तरह हमें b का मान 2 और a का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न बोला है तो श्रेणी के r पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, हमारे पास r पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसी में आगे देख सकते हैं अतः r पदों का योगफल, r पदों के योगफल तो r बटा 2 2a plus a minus 1 into d, r बटा 2 2a का मान 1, n का मान कितना दिया है r दिया है और d का मान भी कितना दिया है 2, तो r बटा 2 2 2 गुणा r में 2r 2 गुणा 2 में 1 में 2 एकम 2
ये कट जाएगा, तो आर बटा दो, यहाँ क्या कितना बचा, दो आर, आर दो दो कट जाएगा, आर आठ पूरा कितना होगा आर स्क्वायर, अतः आर पदों का योग कितना प्राप्त हुआ आर स्क्वायर।